हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस दिल दहला देने वाले मर्डर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये पूरा मर्डर शुरुआत से आखिर तक एक सीसीटीवी कैमरा पर कैप्चर हुआ और बाद में वायरल भी हो गया। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने ये वीडियो देखा हो। जी हाँ, हम बात करेंगे 16 साल की साक्षी की, जिसको बेहद ही बेदर्दी के साथ उसके 20 वर्षीय बॉयफ्रेंड साहिल खान द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। साहिल और साक्षी एक दूसरे को करीबन एक साल से जानते थे और फिलहाल में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। साक्षी ने साहिल को अपने पहले बॉयफ्रेंड प्रवीण के बारे में बताया था, जिसके नाम का टैटू साक्षी ने अपने हाथ पर करवाया हुआ था। साहिल प्रवीण के बारे में जानकर बौखलाया तो नहीं, पर प्रवीण और उसके नाम का टैटू उसे खटकता जरूर था। कुछ ही महीने पहले साहिल को पता चलता है कि प्रवीण साक्षी की जिंदगी में वापस आ गया है, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो साक्षी को कन्फ्रंट करके उसे प्रवीण के ऊपर सफाई मांगता है। साक्षी उसे कहती है कि प्रवीण और वो सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। साहिल एक गरीब परिवार से था और छोटे मोटे काम करके अपना पेट पाला करता था, जबकि प्रवीण उससे बेहतर कमाता था। और साहिल का मानना था कि इसी कारण साक्षी उसे छोड़कर प्रवीण में इंटरेस्ट लेने लगी है। साहिल की इनसिक्योरिटीज अब उनके रिश्ते पर दरार डालने लगी थी और साक्षी ये निर्णय लेती है कि वो साहिल से ब्रेकअप कर लेगी, क्योंकि साहिल के रोज रोज के वही सवाल अब उसको बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। साक्षी के इस डिसीजन से साहिल बिल्कुल टूट गया और उसे बार बार कॉल करके दोबारा अपने रिलेशनशिप को पैचअप करने को कहा। साक्षी इन दिनों अपने घर की बजाय उसकी सहेली नीतू के घर रहा करती थी। खबरों के मुताबिक नीतू का पति जेल में है और इसी वजह से साक्षी उसके घर रहा करती थी। जब साहिल ने साक्षी का पीछा नहीं छोड़ा, तब उसने नीतू को अपने इस रिश्ते के बारे में बताया। नीतू की भूमिका साक्षी के लिए एक बड़ी बहन जैसी थी, जिसके चलते उसने अपनी जानकार, जो उस मोहल्ले का एक दादा भी था, जबरू से इस बारे में बात करी। अजय, जिस तरीके से पूछताछ हुई है, साहिल ने पहला नाम, ऐसा समझ सुनने में आ रहा है कि साहिल ने पहला नाम आपका लिया। उसने कहा है कि जो मृतका थी साक्षी, उसके साथ आपके संबंध थे। सर, ये नाम इसलिए लिया उसने कि हम तो मरेंगे एक दूसरे को लेके और मरेंगे। मई 27, 2023 की शाम जबरू, साक्षी, नीतू और उसकी एक और दोस्त आरती साहिल को मिलकर उसे धमकाते हैं। जबरू उसे समझाता है कि अगर उसने दोबारा साक्षी को कॉन्टैक्ट किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। साहिल इस घटना के बाद काफी डर गया था, पर साथ ही गुस्से में भी था, क्योंकि साक्षी ने भरे बाजार में अपने दोस्तों के सामने उसे बुरा भला कहा और उसे रिजेक्ट कर दिया। उसी रात साक्षी ने उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी भेजा, गली का गुंडा है तू, अभी कहां गई तेरी दादागिरी। इन सभी घटनाओं से साहिल का ईगो बुरी तरह हर्ट होता है। 20 साल की उम्र में आपके पास अनुभव की कमी होती है और गुस्सा बेहद होता है, जिसके चलते अब उसने साक्षी से बदला लेने की ठानी। साहिल शाबाद डेरी इलाके को अच्छी तरह जानता था और वो ये भी भली भांति जानता था कि साक्षी कब और कहां किन गलियों से होकर गुजरती है। 28 मई 2023 की रात, जब साक्षी नीतू के बच्चे की बर्थडे के लिए कुछ सामान खरीदने आरती के साथ निकलती है, तो पल भर के लिए अकेली होती है। आरती उसे गली में इंतजार करने को कहती है। इस बीच साहिल, जो उस पर पहले से नजर रखा था, वो वहां आ जाता है और उसे एक किनारे ले जाता है। दोनों के बीच करीबन एक मिनट तक तूतू मैमे होती है, जिसके बाद साहिल चाकू निकालता है और ताबड़तोड़ साक्षी पर वार करता है। उस पर 21 बार वार करने के बाद एक कंक्रीट स्लैब उठाकर उसके सर पर कई बार मारता है। साक्षी की जान उसके अटैक के दौरान ही चली जाती है। इस घटना की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि उसका मर्डर एक चलती गली में हुआ, जहां उस वक्त करीबन 20 लोग थे, पर कोई भी उस बेसहारा लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आया। जो एक आदमी उसकी मदद के लिए बड़ा, उसे जब साहिल ने चाकू दिखाया तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। इस मर्डर के बाद साहिल टहलता हुआ एक पार्क में जाकर बैठा, अपना फोन स्विच ऑफ किया ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके। उस रात वो उसी पार्क में सोया और अगली सुबह अपने फोन और चाकू ठिकाने लगाकर अपनी मौसी के घर बुलंदशहर चला गया। उसकी मौसी द्वारा उसके माता पिता को लगाया हुआ फोन कॉल उसे ट्रैक कर पाया और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि साक्षी को बेहद क्रूरता से मर्डर किया गया था।
उसे 21 बार चाकू से वार किया गया, जिसमें पहले 11 वार ही उसकी जान लेने के लिए काफी थे। उसका स्कल कंक्रीट स्लैब के वार से पूरी तरह फ्रैक्चर था और उसकी अंतड़ियां पेट से बाहर निकल रही थी। जिस क्रूरता से उसे मारा गया, उसको देखते हुए साहिल को अगर फांसी नहीं मिलती है तो वो शायद उस लड़की के साथ नाइंसाफी होगी। ये मर्डर अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या वजह है कि हम एक ऐसी सोसाइटी बन गए हैं जहां भरी सड़क पर एक लड़की को बेरहमी से मारा जा रहा है और दो लोग भी आगे नहीं बढ़ते उसे बचाने के लिए? मैं मानता हूं कि साहिल के पास हथियार था जिसके चलते कोई भी पहला कदम लेने पर हिचकता, पर क्या चार लोग मिलकर भी साहिल को काबू नहीं कर पाते? मेरा दूसरा सवाल है इस समाज से और साक्षी और साहिल के माता पिता से। क्या अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा आजादी दे दी गई है? क्यों उनकी नाक के नीचे ये सब होता रहा और उन्हें नहीं रोका जा पाया? क्यों हमारा युवा आज एक्सेसिवली वायलेंट और कूल कल्चर की दौड़ में अपनी सभ्यता भूलता जा रहा है? इन सवालों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करता हूं। धन्यवाद।